हेलो डियर स्टूडेंट राइट, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के थ्योरी क्वेश्चंस, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश डिस्कस करते हैं, क्या दिया है, डबल एंट्री वर्सेस सिंगल एंट्री राइट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल फॉलो करता है डेबिट क्रेडिट का। बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है बेस्ड ऑन, नॉट बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वो फॉलो नहीं करता है, गोल्डन रूल फॉलो नहीं करता है। डबल एंट्री में क्या होता है, दो इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट, ऑल ट्रांजेक्शन है बोथ इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। बट सिंगल एंट्री कैसा है, ये पान पट्टी वाला, चाय वाला, नॉर्मल हिसाब आना आया गया, तो इट डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, नो डबल इफेक्ट, सिर्फ सिंगल इफेक्ट रहता है। इसमें क्या है, डबल एंट्री में कौन से अकाउंट आते हैं, पर्सनल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है। बट और सिंगल एंट्री में सिर्फ कैश और पर्सनल आर मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं, कैश और पर्सनल अकाउंट। इधर क्या, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है इधर, ताकि चेक करे दोनों हिसाब टैली होता है कि नहीं होता है। इधर क्या, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर, इधर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकते क्योंकि आधा अधूरा अकाउंट रहता है ना, ट्रायल बैलेंस के लिए सब हिसाब बराबर होना चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इधर ट्रेडिंग अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर, हैंस ग्रॉस प्रॉफिट कैन नॉट बी असर्टेन, इधर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाते इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्यों, नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए ना, इधर वो भी नहीं बना सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा रहता है। इधर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ताकि बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटी कितना वो फाइंड आउट करना पड़ता है। इधर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिजनेस का वर्थ नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ लिखा रहता है, बराबर रिकॉर्डेड नहीं रहता है, और ये स्पेसिफिक लॉ फॉलो करता है, इनकम टैक्स का लॉ, ये कोई भी रूल्स फॉलो करता नहीं है। कोई भी कंपनी रहेगा, वेदर इट इज़ लिमिटेड, प्राइवेट, पब्लिक, एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और ये कौन फॉलो करता है, सोल ट्रेडर, अकेला जो बिजनेस चलता है राइट। तो ये द टर्म सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूज इन दिस एनफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कीपिंग, सिंगल एंट्री को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कीपिंग। ओके, तो ये डिस्टिंग्विश है, तुम लोगों को पढ़ने का आंसर आ सकता है। और इसमें क्या आएगा, मान लो मैं वीक टॉपिक, एक अकाउंट आएगा आपको पूछेगा, वॉट इज डेटा अकाउंट करके शॉर्ट नोट्स आएगा तुमको, ठीक है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि डेटा अकाउंट की एंट्री कैसी होती है, तो ये अकाउंट तुमको प्रोफॉर्मा याद करना पड़ेगा, तो बेसिक पहले याद कर लो। तो डेटा अकाउंट क्यों फाइंड करते हैं, सेल्स ढूंढने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, सेल्स, क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए। तो क्रेडिट सेल, डेटा मतलब कस्टमर होता है और सेल मतलब कितने का माल बेचा, तो इधर ओपनिंग बैलेंस आएगा, इधर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इधर आएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटा, डिस्काउंट, अलाउ, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, तो इसको बैलेंस करेंगे आपको क्रेडिट सेल मिलेगा। तो नॉर्मली आपको इतना पोस्टिंग करने का और चार लाइन डाल देने का, ये लाइन देखो क्या दिया है, डेटा अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द केस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल और टाइम ऑफ अमाउंट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मतलब कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ता है, तो सेल ढूंढना पड़ता है तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ढूंढना पड़ता है। तो एक डेटर अकाउंट आएगा, उसके बाद चार लाइन लिखने का है और ये प्रोफॉर्मा बनाने का, तुमको प्रोफॉर्मा बना देगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही डेटर के और एक दोस्त क्या है, क्रेडिटर अकाउंट, क्या है, क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेस, कितना माल उधारी में खरीदा है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, इधर आएगा कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव, परचेस रिटर्न, है ना, ये सब आएगा। फिर इसको बैलेंस करके आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस का मेन, जो क्रेडिटर अकाउंट ओपन करने का मेन रीजन क्या है, टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेस। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है जिसमें फाइंड आउट करना पड़ता है तुमको, एक इसके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ना है राइट। और किस पे शॉर्ट नोट तुम लोग को पढ़ना है, यार ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या, एक लाइबिलिटी और एसेट्स का कंट्रीब्यूशन है, लाइबिलिटीज का रहता है एसेट्स, एसेट प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस सॉल्व किया जाता है। तो जो भी बैलेंस आता है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके आपको क्या मिलेगा, एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके आपको कैपिटल मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल। तो ये कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अपने को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपन करना पड़ता है, एसेट्स यहाँ लिखने का, लाइबिलिटी यहाँ लिखने का, दोनों को बैलेंस करके, तो ये प्रोफॉर्मा बना देने का और ये लिख देने का। तो वॉट इज कैपिटल, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट लेस ओपनिंग कैपिटल राइट। तो ओपनिंग कैपिटल क्यों फाइंड करते हैं, क्यों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों ओपन करते हैं, टू फाइंड आउट दी कैपिटल। तो ये कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख सकते हैं राइट। तो इसके टाइप के ऊपर जो भी सम्स हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऊपर, जो भी टाइप के सम्स आते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, थ्योरी में आएगा, एक शॉर्ट नोट तुम्हारा तैयार हो गया, ठीक है, थैंक यू।